मंदसौर में जिस बच्ची से रेप हुआ था उसकी हालत पहले से बेहतर है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रेप पीड़ित 8 साल की बच्ची की हालत में सुधार हुआ है। डॉक्टर के मुताबिक पीड़ित बच्ची अब खतरे से बाहर है। बच्ची माता पिता से बात कर रही है लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे। उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, सतत सुधार हो रहा है। हम लोगों की डॉक्टर्स की विशेषज्ञ टीम उस पर एक नजर रख रही है। रेप केस की जांच के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। दूसरी तरफ रेप केस के दूसरे आरोपी आसिफ को 5 जुलाई तक पुलिस के हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में इमरान नाम के आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों को फांसी देने की वकालत की है। ऐसे दरिंदे रहना नहीं चाहिए इस धरती पर। पाप है, बोझ है, इनका बोझ हटना चाहिए। इनके लिए कानून नहीं है, ये प्रार्थना मैं जरूर करूंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं है और सरकार ने मंदसौर रेप केस में लापरवाही बरती है। FIR लॉन्च करने के लिए समय लिया गया, आज भी तहकीकात में विलंब किया जा रहा है। आज मेरी प्रदेश की महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। 26 जून को स्कूल से लौटते वक्त बच्ची को अगवा कर गैंगरेप किया गया था।